नमस्कार, कैसे हैं पार्षद साहब। किस खास पेशकश में एक दफा फिर आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा, वार्ड नंबर 21 में खड़ी हूं। वार्ड नंबर 21 का क्या हाल है आज की डेट में, 5 साल में पार्षद के कामकाज का क्या लेखा जोखा रहा, ये जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर आप पहुंचिए हरियाणा न्यूज की टीम। ये कुछ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं यहाँ पर समस्याएं क्या हैं और सुविधाएं क्या हैं। आप कुछ बोलेंगी? नाम क्या है आपका? विद्यावती। विद्यावती जी, जी क्या परेशानी है? सुविधाएं मिली हुई हैं या सड़क, सीवर, साफ सफाई, कूड़े का उठान? अरे कूड़ा नहीं उठता। कूड़ा नहीं उठता? हाँ। सीवर? सीवर तो ठीक है, ये देख रोड नीचे तो पानी भरा है, फुल हो जाता है, बारिश में थोड़ा पानी खड़ा हो जाता, गंदगी रहती है। गंदगी भी रहती है और क्या, कूड़ा कोई नहीं उठाने आते इतने खास करके। घरों में जो पानी आता है किचन में वो सब साफ है, सप्लाई का साफ सुथरा वो सप्लाई का सब। हाँ। कम्युनिटी सेंटर वगैरह कुछ मिला हुआ है? कुछ नहीं है। ठीक है, पार्क है आपके पास? ना कोई पार्क नहीं है। पार्क वार्क नहीं है? ये पार्क देगा मालिक अपनी जमीन बेचता फिर। चलो ठीक है, आइए यहाँ इस शॉप में कुछ लोगों से बात करें। सलून है ये, क्या नाम है बॉस? बताओ जी आपका नाम, वो क्यों बताएंगे? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार यही के रहने वाले हैं? हाँ जी। क्या समस्या है, क्या सुविधाएं हैं आपको? कुछ नहीं है, मैंने कहा तो सब ठीक है। सब ठीक है? हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। सर यही के रहने वाले नहीं? यहाँ के रहने वाले नहीं है, यहाँ रहते तो हैं? हाँ रहता हूँ, रेंट पे रहते हैं। हाँ, रेंट पे रहते हैं। नाम क्या आपका? कमलजीत। कब से रह रहे हैं आप? 1 साल हो गया। 1 साल से? बारिश में सड़कों का हाल ऐसे ही? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ कूड़े का उठान? हाँ आती है गाड़ियाँ डेली। आती है डेली? आप ये मतलब सोच के बोल रहे हैं या अभी? मैडम आती है, मैं तो रात को आता हूँ, वैसे गाड़ी चलाता हूँ मैं तो। अच्छा आपको, ठीक है चलिए, इनको कोई परेशानी नहीं है। और भी साहब एकदम काम में लगे हुए हैं हमारी तरह, आप भी? हम तो काम में बिजी रहते हैं। बारिश में आते हैं कस्टमर या पानी लग जाता है? नहीं नहीं, बारिश में कस्टमर तो आते हैं। आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, हमारी दुकान में तो दिक्कत नहीं, मगर सड़क पर तो दिक्कत है। जॉन्टी कह रही है, वो ठीक कह रही है। सड़क पर? सड़क में पानी भर जाता है, पानी भर जाता है इधर पीछे ही गली में, जितने इकट्ठे हैं वहाँ पे। अच्छा। पानी भर जाता है बहुत बुरी तरह, आदमी कूड़ा वगैरह नहीं उठता है यहाँ पे। नहीं उठता? दो हफ्ते में लगा लो दो बार आते हैं। बताइए, आप कह रहे हैं कि डेली आते हैं, क्या सर आपका नाम क्या है? मंद मुस्कुरा रहे हैं। सुनील, सुनील है मेरा नाम। सुनील जी यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, राजस्थान का। राजस्थान का, भरतपुर का। अभी तो फिलहाल यहाँ पे कब से है? मेरे को हो गया 3 साल। 3 साल, यानी पार्षद के काम को आपने देखा हुआ है? पार्षद के काम को देखा है मतलब? पार्षद का काम, नाली पानी सब दिया है? ज्यादा परेशानी होती है, रोड बहुत रिपेयर शिपेयर करा देते रोड, यही और क्या करा दे? ज्यादा परेशानी आती है ना, कच्चा काम करा देते, रोड डलवाती गड्ढे खुड्ढे में। हाँ। यही और क्या, कच्चा काम करवा दिया। हाँ चलो, तो कच्चा काम करवाया, परेशानियां हैं, पार्क नहीं है, कूड़े का उठान समय पर नहीं है, और सड़क का हाल आप देख ही रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि तमाम गलियों की सड़कें जो हैं वो खस्ता हाल हैं, लेकिन हैं, खस्ता हाल सड़कें हैं। और पार्षद ने क्या काम कराए ये लोगों से हम खुद ही जान लेते हैं। कुछ लोग जो ये कह रहे थे कि नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा काम कराया, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि कच्चा काम कराया, रोड़े डाल दी। अच्छा, एक ये पूछ रहे हैं चोटी काटने वाली कौन आ रही है। तो ऐसा हमारे साथ हो ही नहीं रहा कि हम किसी दिन जाएं ग्राउंड जीरो पे पार्षद के काम का लेखा जोखा लेने और कोई चोटी काटने वाले के बारे में हमसे ना पूछे। बोलिए। ओ क्यों नहीं, ये लोग कहते चोटी काट लेते, बेहोश कर देते, ये क्या चक्कर है? आपने नहीं वो नीम की ना लगाई? मैंने मेरे को तो हर घर पे देखा मेहंदी के थापे, और वो तो मेहंदी में तो फिर आएगी वो तो। आप यकीन करते हैं? मेहंदी तो मैंने खुद लगा रखी है, कहाँ भूत आएगा। आप भूत प्रेत में यकीन करते हैं? नहीं करो, नहीं करती ना, फिर अफवाह मानिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए और क्या। तो ये चोटी काटने वाले से लोग ज्यादा परेशान है पार्षद के काम का, उतना बोले या ना बोले, लेकिन चोटी काटने वाले से। नाम क्या है सर आपका? लवली। लवली लवली जी यही रहने वाले हैं? लवली, लवली काम कराया पार्षद ने? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम कराया। क्या क्या सुविधाएं दी हैं? रोड की, लाइट की, हर चीज की सुविधाएं, हर चीज की सुविधाएं। जो लोग ये कह रहे हैं कि कूड़े का उठान नहीं हो पाता, कहाँ पे है कूड़ा बताओ? आपकी गाड़ी आती है?
गाड़ी बहुत कम आती है यहाँ, बहुत कम आती है ना, कम आती है। अब घर जाके झगड़ा मत करना आप लोग हैं, ठीक है, ठीक है। आ कुछ शॉप में, इस शॉप में कुछ और लोग भी हैं, इनसे बात करते हैं हम। अरे यहाँ तो बहुत सारे लोग हमें मिल गए। नाम क्या है सर आपका? विक्की। विक्की विक्की जी थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ जी विक्की, क्या समस्याएं हैं और क्या सुविधाएं हैं? समस्या है तो कुछ भी नहीं है, मेरे सुविधाएं ठीक है, लाइट है, लाइट आइट है, हमारे तो वहाँ आती गोड़ एक गाड़ी डेली आती है। सड़क सीवर ओके है, बिल्कुल नाली बिल्कुल सही, कूड़े का उठान हो जाता है। हाँ, घरों में पानी पानी आ रहा है अभी तो। बहुत अच्छा, पहली दफा है किसी वार्ड में हम गए और हमें सब अच्छा सुनने को मिल रहा है। नाम क्या आपका? हुकुम सिंह। हुकुम सिंह, यस। क्या पार्षद ने क्या काम कराया? सब ठीक चल रहा है फिलहाल तो। हाँ, आगे का पता नहीं क्या हो जाए। पार्षद आते हैं आप लोगों से मिलने? नहीं, कभी कभी किसी, हाँ कभी कभी समटाइम। आप बिजी हैं? नहीं, लेकिन बिजी होने का आप जो एक्टिंग कर रहे हैं ना। अरे शाहरुख खान शर्मा जी, नाम क्या आपका? बड़े अच्छे हेयर स्टाइल है। जरा आजिए इधर, आजिए, मेरा माइक वहाँ तक मेरे पहुँच रहा है। माइक बहुत लंबा दिख रहा है। क्या नाम? मुकेश। बहुत बहुत नाइस हेयर स्टाइल। बस कब से दुकान, कब से आपकी? 5 साल से। 5 साल से, यानी कि आपने तो पार्षद को यहाँ पे देखा होगा? बिल्कुल देखे जी, देखे मिले भी हैं। बिल्कुल मिले भी हैं। क्या काम कराया उन्होंने? काम जो आपके सामने दिख रहा है, तो काम तो देखने से होता है, मैं बता दूंगा ये वैसे कुछ नहीं। सामने देखो रोड अच्छी है, बिजली आ रही है टाइम पे, बाकी सब ठीक है। सीवर ब्लॉक नहीं होता? बिल्कुल होता है, सीवर तो ब्लॉक होता ही है। तो क्या होता है? जो भी है सामने सीवर देखो, ब्लॉक बंद पड़ा है वहाँ, तो मलबा पड़ा है। हाँ, ट्यूबलाइट फूकी पड़ी है, ट्यूबलाइट चेंज करने कोई मतलब नहीं है। फिर भी पार्षद साहब ठीक है? जो काम जब थोड़ा ठीक चल रहा है तो ठीक ही बोलेंगे, अब जो जैसे चल रहा है चलते रहे। इस बार पुराने पार्षद को रिपीट करने का मूड है या नया चाहिए? वो अभी टाइम बताएगा, अभी कुछ नहीं बता सकते। भविष्य के गर्भ में भाई साहब, पुराना चाहिए या नया? आगे ऊपर डिपेंड करता है जो, तो जब उम्मीदवार सामने होंगे। हाँ, आप? मेरे तो पुराने सही है, जो काम होना चाहिए कंप्लीट। काम होना चाहिए, बिल्कुल ये इन्होंने दुरुस्त फरमाया कि काम होना चाहिए। नया पुराना में क्या रखा है, जो भी हो, पुराने हो वो भी काम करवाएं और नए आए तो वो भी काम करवाएं। ये बहुत दिल खोल के बोल रहे हैं यहाँ के लोग, ज्यादातर लोग जो है वो तारीफ करते हुए दिख रहे हैं। आइए वार्ड के और हिस्सों में भी बढ़ते हैं आगे और उनसे जानते हैं कि क्या समस्याएं हैं और पार्षद साहब ने 5 साल में दिया क्या है। वार्ड नंबर 21 के भावी उम्मीदवार राज रानी जी हैं, इस वक्त हमारे साथ बैठी हैं और उनके पति ने हमारे साथ धर्मवीर जी भी आए। इनसे बात करते हैं कि इन लोगों की तैयारियां क्या हैं और इनके पार्षद ने काम क्या कराया। नमस्कार राज रानी जी, इस बार आप उम्मीदवारी पेश करेंगे अपनी? हाँ जी। कैसे रहे पार्षद साहब जो पिछले पुराने थे? पुराने पार्षद साहब यहाँ तो रविनगर में तो कोई काम नहीं किया उन्होंने, कोई काम नहीं करा नहीं, और दूसरे एरियो में परले रवि नगर में सड़क बनाई है एक दो जगह, कई जगह रही भी है, और उधर देवीलाल नगर में बनाई है। क्या काम वो नहीं करवा पाए जो उन्हें करा देने चाहिए थे? ये सीवर का भी है, बहुत सा सड़कों का भी है, परले रवि नगर में बहुत सी सड़कें हैं जो लोगों ने शिकायत कर रहे हैं, सीवर भरे पड़े हैं लोगों के, बिजली की भी समस्या है, हर समस्या है लोगों की, हर एक क्षेत्र में अलग अलग है, क्षेत्र के हिसाब से समस्याएं। तो आप करवाएंगे ये काम? हाँ करवाएंगे, कुछ करवा भी रहे हैं, कुछ आगे भी चल के भी करवाएंगे। आप अभी से करवा रहे हैं? हाँ जी। पूरी तैयारी मतलब पूरा फॉर्म में है इस बार? हाँ जी। हाँ धर्मवीर जी, कैसे रहे पार्षद साहब? देखो जी, पार्षद अपनी जगह है, जो भी था ठीक था। हम किसी का कटाक्ष नहीं करते, और रही बात उनने भी अपने तरीके से काम किया है, रही हमारा, हम भी कुछ तो कर रहे हैं, बाकी आने वाले भविष्य देखेगा। क्या कर रहे हैं आप? अभी हमने जो समाज की लोगों की मूलभूत सुविधा होती है, जैसे सीवर की है, पानी की है और सड़कों की है। मैं रविनगर की बात करूं तो रविनगर की तकरीबन सड़कें बन चुकी है, जो सड़कें रही है उनका अभी रिसेंटली हमने एस्टिमेट पास कराया है। 4 नंबर और 5 नंबर का पार्ट है, एक गली रह रही है वहाँ पर, उनका कराया है। और अभी जो बसई रोड से द्रोणा स्कूल का है, द्रोणा स्कूल तक का रोड, ये कंक्रीट का अभी बनवा के 2-3 दिन हुआ है, ये खत्म किया है। ठीक है, यानी कि कोशिशें आपकी ओर से जा रही हैं। पार्टी से चुनाव लड़ेंगी? हाँ जी। किस पार्टी से? बीजेपी पार्टी से। टिकट की पूरी उम्मीद है आपको? हाँ जी।
पूरी उम्मीद है। अगर टिकट नहीं मिली बाय चांस तो निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन लड़ना जरूर, लड़े या पार्टी से लड़ना जरूर है। हाँ, ये पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। राजरानी, बीजेपी से टिकट की उम्मीद लगाए बैठी हैं ये, वार्ड नंबर 21 से अपनी दावेदारी पेश करने को लेकर देखते हैं कि टिकट मिलता है या निर्दलीय लड़ते हैं, लेकिन तैयारी इनकी ओर से पूरी है। वार्ड में आगे और लोगों से हम बात करते हैं और देखते हैं कि यहाँ स्थिति क्या है, सुविधाएं क्या मिली, समस्याएं क्या हैं। समस्या नहीं, समस्या क्या है और सुविधाएं क्या है? सुविधाएं के नाम सुविधाएं बताएं, समस्या और सुविधाएं आप दोनों बताएं। समस्या तो यहाँ पे जो पार्षद पुराने हैं, हाँ। पिछले साल जो पार्षद बने थे, हाँ। पिछले 10-15 साल से जो भी पार्षद इस इलाके से चुने हुए हैं, हाँ। वो अपना काम पूरी तरह से निभा नहीं पा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि उनका तो ये है कि भाई केसेस लगे रहते हैं उनके पीछे, कुछ राजनीतिक कारण होते हैं उनके पीछे। तो बाकी एक पार्षद ऐसा चुनना चाहिए यहाँ पे जो समाज के बीच में रह के पब्लिक का समाधान कर पाए। गली की समस्या है, पानी की समस्या है, बारिश के अंदर जैसे गली में पानी भर जाता है बहुत सारा, तो बच्चे निकलते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है, स्कूल भी सामने है, तो काफ़ी समस्या ही है। पार्षद जो हमारे यहाँ का ऐसा होना चाहिए जो पब्लिक के बीच में रह के पब्लिक का काम कर सके, समझ सके कि यहाँ पर जनप्रतिनिधि की समस्याएँ क्या हैं, लोगों को कहाँ कहाँ से गुजरना पड़ता है, समस्या ये है। पुराने पार्षद ने ये सब नहीं देखा? पुराने पार्षद ने बहुत कुछ किया है, पुराने पार्षद ने बहुत सारे काम कराए हैं। जो नए पार्षद बने थे, नए पार्षद ने बनने के बाद उसके बाद तो काम ही नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी समस्या मनोहर नगर में इतनी बड़ी आबादी है, इसके साथ बल्लेव नगर भी लगता है और मदनपुरी भी लगता है, पीछे अपना ज्योति पार्क है, ज्योति पार्क थोड़ा दूर हो गया हमारे एरिया से। इसमें कोई भी, जब से कॉलोनी विकसित हुई अब तक कोई पार्क की सुविधा नहीं है। एक पार्क कम्युनिटी सेंटर, कम्युनिटी सेंटर यहाँ पे नहीं है, नहीं है, नहीं है, पार्क भी नहीं है, पार्क भी नहीं है। कूड़े का उठान ठीक है, कूड़े का तो गाड़ी आती है, सड़कें तो ठीक है आने जाने के लिए। सीवर व्यवस्था तो पुरानी थी जो बदल दी गई थी, पहले जो छोटी लाइन थी ना उसको तो बड़ा इन्होंने कर दिया था। कोई पहले के हैं ये सीवर? हाँ, पहले के सीवर लगे हुए हैं, बाकी जो पिछली गली में इसमें पानी की समस्या बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत। तो इस बार पुराने पार्षद को रिपीट करने की मूड में, नया चेहरा नहीं, नया चाहिए। हाँ, अगर अच्छा कैंडिडेट आएगा तो उसका सपोर्ट करेंगे और करना भी चाहिए, करना तभी विकास होगा। सारा बिजली का खंबा, एक ट्रक तोड़ गया, ये तार दिखाइए, ये तार सारा टूटा पड़ा, कभी भी गिर सकता है। और नीचे से खंबा टूटा हुआ, ये गड़ गया, कई साल पुराना, वो भी टूटा हुआ, हम बता भी ले कई बार, वो करके ठीक नहीं जा रहे, अभी कभी भी हादसा हो सकता है। ठीक है, यहाँ आए 2 साल के बाद हमने तो कभी पार्षद को यहाँ आते ना देखा है, ना कोई पूछने वाला आया। और समस्याएं क्या है? समस्याएं क्या हैं जी? ये देखो जी, ये नालियाँ हैं, ये गंदगी है, और क्या है, यहाँ कूड़े के ढेर होते हैं, और क्या होते हैं, और कोई पीने का पानी भी मतलब है, सुबह शाम थोड़ा बहुत आता है, जो घंटा आध घंटा जो भी आता है, और तो कोई वो है नहीं प्रॉब्लम। मतलब कुछ खास काम नहीं करा है पार्षद ने यहाँ? खास काम तो कोई है नहीं, किया ही नहीं है, ना कभी मोहल्ले में आए हैं पार्षद। अच्छा, तो इस बार पार्षद चुनाव सामने है, तो क्या नया पार्षद चुनेंगे, पुराना चेहरा रख लेंगे? देखो जी, जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसको चुनेंगे हम। बहुत शुक्रिया समय दिया आपने, बहुत धन्यवाद आपका। वार्ड नंबर 21 में आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में आ पहुंचा है, ये कुछ लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि उनके लिए क्या समस्याएं और क्या सुविधाएं मिली पार्षद की ओर से। एक ऑटो वाले ने यहाँ पर काफी देर से पार्क किया हुआ है, नाम क्या है सर आपका? राजू। राजू, क्या ऑटो स्टैंड है या आपने ऐसे पार्क किया हुआ है? वैसे 4-5 ऑटो खड़े रहते हैं। खड़े रहते हैं 4-5 ऑटो। परेशानियाँ है यहाँ पे कुछ? ये सब ठीक है, सड़क वगैरह, कूड़ा कचरा? ठीक ठाक है, कूड़ा तो सारी हर जगह है, कूड़ा कचरा तो हर जगह ही रहता है, कूड़ा कचरा तो रहता ही है, ठीक कहाँ से है। एक पान वाले भैया है अपने गुमटी में, इनसे बात करते हैं कि इन्होंने
हाँ जी जनाब, आपने जो ये गुटका ये लगा रखे हैं तो बैन है ना? बैन है ना ये तो? बैन मतलब पाबंदी लगी है ना इस पे? आप फिर क्यों बेच रहे हैं ये? हम लोग आगे आगे बात कीजिए ना, दिखे आप थोड़ा। आइए आइए, एकदम सहरा की तरह लग रहा है बिल्कुल। आगे आइए, डरिए मत, डरिए मत। आप डर नहीं रहे हैं? जब इस पे पाबंदी है आप क्यों बेच रहे हैं? तो इसका कोई वो नहीं ना अभी, जब माल मिल रहा है सब कुछ, अगला बंद होगा तभी तो ये बंद होगा। आगे अगला गलत, अगला वो गलत कर रहा है तो आप ही गलत। हम बेच रहे हैं, आपको गर्दन पे चाकू रख के तो नहीं दिया होगा ना? ना ना, वो गलत कर रहे हैं बेच रहे तो आप ही गलत करेंगे ना? वो तो नहीं करेंगे तो आप कर रहे हैं ना? अभी तो कर रहे हैं। कोई रोक टोक मतलब नहीं हुई आपके साथ ना? यहाँ किसी ने नहीं मना किया आपको ना? दूसरी समस्या यहाँ की क्या है? सड़कों पे पानी वानी, बरसात में कूड़ा कचरा, बताए। सही है, यहाँ पानी नहीं लगता? पानी यहाँ तो नहीं लगता है, आगे मंदिर तरफ लगते हैं, उधर लगता है। और यहाँ कूड़े का उठान? कूड़े तो ले जाते हैं, उठा उठा के यहाँ से ले जाते हैं। लेकिन ये गलत काम आप जो कर रहे हैं इसे किसी ने नहीं रोका ना। नाम क्या आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार, राजेश कुमार की दुकान है, जानते हैं कि गुटखा बैन है, फिर भी यहाँ पे कर रहे हैं ये गुटखे की बिक्री। रुकिए रुकिए, आप कहाँ भाग रहे हैं? सुन लिए ना, नाम बताइए। विवेक सिंह। विवेक सिंह यही रहने वाले हैं जी? नहीं। कहाँ? हम बिहार के। बिहार के रह यहाँ रहे हैं अभी? हाँ जी। क्या समस्या है? क्या आप तो कह रहे थे कूड़ा उठ जाता है यहाँ पे, देखिए आपने फैला रखा है ना ये। मैं तो पहली बार आ रहा हूँ इधर। मैं तो यहाँ पहली बार आ रहा हूँ। इस रोड से गुजर रहे थे? हाँ। ठीक है, फिर आप जा सकते हैं, इनसे पूछते हैं। हाँ भैया, किसकी दुकान है ये? आपकी दुकान है? नाम क्या आपका? कपिल देव। कपिल देव। ये जगह मिली हुई है आपको? किसी को इसके लिए पैसा देते हैं या रोज रेडी लाके लगा देते हैं? रोज रेडी लगा देते हैं। तो अतिक्रमण हो गया ना भाई साहब जी? ये तो अतिक्रमण हो गया ना, इस जगह को घेर लेना। घेर क्या लेना, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। रोजी रोटी चला रहे हैं। समस्याएं क्या है सड़क की, इस गली की? सब सही है, हमारे हिसाब से सही है। बारिश में ग्राहक मिलते हैं ना? नहीं मिलते। पानी लगा होता है रोड पे? नहीं नहीं लगा होता। जब तक बारिश होगा जब तक पानी लगा होते हैं, तब तक लगा रहता है। कूड़ा कचरा का उठान हो जाता है? हो जाता है। बहुत शुक्रिया। तो अतिक्रमण भी है, कूड़े कचरे का उठान हो जाता है, कोई कह रहा है हो जाता है कोई, ये चीज समझ में नहीं आ रही। अभी थोड़ी देर पहले आप एक पति पत्नी को सुन रहे थे, पति कह रहा है डेली कचरा उठाने की गाड़ी आती है, और वही पत्नी का ये कहना कि नहीं बिल्कुल गाड़ी नहीं आती। ये चीज़ें क्यों हैं? ये यहाँ के पार्षद के इमेज का असर है या क्या है, ये भी हमें समझना होगा कोई। हाँ जी अजी, बिल्कुल आपके पास भी आएंगे, आपसे भी बात करेंगे। दो कदम आप भी बढ़ा सकते थे वैसे चचा, आप भी दो कदम बढ़ा सकते थे, नहीं क्या? बढ़ा सकते, लेकिन क्या करें, बच्चे साथ नहीं करे। नाम क्या है? मेरा गुलशर रोड़ा। क्या यहाँ की समस्याएं और सुविधाएं क्या हैं? समस्या यहाँ की है, यहाँ के तो कुछ नहीं है, मेरी अपनी दुकान है, वो क्या समस्या है? आपकी दुकान ही समस्या है? हाँ जी। आप सड़क सीवर नाले पानी वगैरह को लेकर बात करें? हाँ हाँ, पानी का ठीक है। ठीक है, ये अपने निजी कारणों की वजह से परेशान है, निजी कारणों की वजह से परेशान है। और ये पार्क के सामने जितने लोग वन मिनट आधा मिनट मेरे से बात करो कह रहे हैं, ये सभी अभी नशे में एकदम चूर हैं, पूरी तरह से टल्ली हैं, पीकर यहाँ पर पड़े हुए हैं। थोड़ा और बदतमीजी की है तो शायद एक आधा हाथ पड़ भी सकता है इनको, क्योंकि हर कोई बर्दाश्त करके इन्हें निकलेगा नहीं। ये हम दिखा रहे थे आपको वार्ड नंबर 21 का हाल, तो ये नशे का हालात और दिन दिन में किस तरह का माहौल है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। अतिक्रमण आपने देख लिया, भीतर में सड़कों की क्या हालात है, गलियों के क्या हालात है, और कूड़े के उठान को लेकर क्या चीज़ें हैं वो भी बता दिया। पार्षद की मौजूदगी अभी है नहीं वार्ड में कि हम आपको ये बता सकें, पार्षद से आपके लिए सवाल पूछ सकें कि हाँ पार्षद साहब कैसे हैं और आपने 5 साल में कराया क्या। लेकिन जब हम वार्ड में आगे बढ़ेंगे, वार्ड दर वार्ड, जैसे कि आप जानते हैं कि हरियाणा न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुँच रही है, तो हमारी ये कोशिश ज़रूर रहेगी कि हम वापस लौटते वक्त एक बार पार्षद जी से ज़रूर मुलाकात करें, और उनसे हमारी जो ये पब्लिक है जिन्होंने हमसे बातचीत की, उनकी समस्याओं या उनकी सुविधाओं, जो भी उनके सवालात रहे पार्षद जी के लिए, वो पूछें और उनसे जवाब लेने की हम कोशिश करें। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड को हमें यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा। कैमरामैन मुकेश के साथ अनामिका जय मिश्रा, हरियाणा न्यूज़।